फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधा रेसिपी में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची कैरी का शरबत, जो पीने बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल अलग स्वाद होता है इसका। और वैसे भी गर्मियों का सीज़न आ गया है तो कच्ची कैरी बहुत सारी आ जाती है, तो कच्ची कैरी की बहुत सारी रेसिपी बनाई जा सकती है। जैसे कि इनका मुरब्बा भी बनाया जा सकता है, खट्टी मीठी लौजी भी बनाई जा सकती है, पना भी बनाया जा सकता है, और अचार तो डलता ही इसका। तो आज हम बनाना बताएंगे आपको कच्ची कैरी का शरबत, जो पीने बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कच्ची कैरी का शरबत बनाने के लिए मैंने ये ली है कच्ची कैरी। मैंने 4 कैरी ली है और ये लिया है हरा वाला पुदीना। तो एक मुट्ठी भर के हरा पुदीना मैंने इसको धो के साफ कर लिया, क्योंकि थोड़ा पुदीना गंदा भी आता है। ये लिया है मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी, और आधा चम्मच लिया है मैंने काला नमक। सबसे पहले हम कैरी को छील के छोटे पीसेस में काटेंगे। देखिए मैंने चारों आम छील लिए हैं, अब इनके हम छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो इस तरह हमें छोटे से पीस करना है इनके। तो इसी तरह हम छोटे छोटे सारे कैरियों के पीस कर लेते हैं। और ये इसकी गुठली निकल के आ गई है, तो ये गुठली भी फेंकी है मैं, तो इसको भी यूज ले सकते हैं। दाल बना सकते हैं तो उसमें भी डालिएगा, और यदि कद्दू की सब्जी बनाए तो उसमें भी डाल दीजिएगा, तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। जो खट्टापन सा टेस्ट होगा तो बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। इसी तरह पहले सारी कैरियों के पीसेस कर लेते हैं। देखिए सारी कैरी काट लिए मैंने, छोटे पीसेस कर लिए हैं। और अब इसको हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। और इसमें डालेंगे हम एक मुट्ठी भर के पुदीना हरा वाला। इससे कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा, ऊपर से ठंडा भी बहुत होता है। और 4 चम्मच डालेंगे चीनी, क्योंकि चीनी ये खड़ी है इसलिए इसमें पिस जाएगी अच्छे से। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। पहले से भी मैंने ठंडा ही पानी डाला हुआ था। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम एक बाउल में स्टेनर में छान लेते हैं। थोड़ा पानी और ऐड कर लेते हैं इसमें, थोड़ा सा जो मैगो लगा हुआ है इसको भी हम इसी तरह। देखिए मैंने छान लिया है, इसका जो मोटा बचा हुआ है इसको भी नहीं फेंकना है, क्योंकि इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। जैसे हम इसमें और चीनी ऐड करके इसका मुरब्बा भी बनाया जा सकता है, या कैंडी भी बनाई जा सकती है। मैगो कैंडी बनती है जो, वो भी बनाई जा सकती है उसमें गुड़ या चीनी डाल के, तो उससे वो भी बनाई जा सकती है। तो ये भी यूज ले, इसको भी हम यूज में ले सकते हैं। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए देख कितना अच्छा बन गया है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें चीनी कम लग रही है, तो मैं पिसी चीनी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी कच्ची कैरी और ज़्यादा खट्टी हो जाती है। इसलिए मैंने 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है, ये बहुत आसानी से घुल भी जाएगी। ये लिया है मैंने 2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और आधी चम्मच लेंगे हम काला नमक। ये कच्ची कैरी का शरबत रेडी है और हम सर्व करते हैं इसको। पहले इस तरह हम इसमें डाल देंगे इसको। आप इसको 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो देखिए सर्व करते हैं। देखिए कच्ची कैरी का शरबत रेडी है, और दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो पीने में उतना ही खट्टा मीठा इसका स्वाद होगा। तो ये आप जरूर बनाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।